नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। काफी मशक्कत के बाद सिवनी पुलिस को मिली बच्चा चोर गिरोह पकड़ने में सफलता। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से बरामद हुआ नवजात, 5 आरोपी गिरफ्तार। 2 पुरुष, 3 महिला, 3 महिलाओं में एक 16 वर्षीय नाबालिग भी शामिल। सिवनी SP ललित संकेवार ने नवजात को सौंपा उसकी मां के सुपुत्र। आज सिवनी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। एक मां से बिछड़े हुए बच्चे को 2 दिनों के बाद मिलवा दिया। दरअसल यह पूरा मामला जिला चिकित्सालय से नवजात बच्चे चोरी का है, जहां विगत 24 मई को जिला अस्पताल से एक नवजात बच्चे को चुरा लिया गया, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों पर कई सवालिया निशान उठाए गए, जिसके चलते सिवनी पुलिस ने अपनी खोजबीन मुस्तैदी से की और बच्चा चोरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह बच्चा चोर ग्रुप मध्य प्रदेश के शिवपुरी से पकड़ा गया और फिर इन्हें सिवनी लाया गया। बच्चे को जैसे ही SP ललित सक्केवार के द्वारा मां के सुपुत्र किया गया, मां के चेहरे में पूरे संसार की संतुष्टि नजर आई। आरोपियों में 3 महिलाएं, जिसमें एक 16 वर्षीय नाबालिग भी शामिल है, और 2 पुरुष को सिवनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि अभी तो इनको लाए हैं, आगे और इनकी कड़ाई से पूछताछ की जाएगी कि कहीं उन्होंने और भी घटना को अंजाम तो नहीं दिया है। को अर्ली मॉर्निंग पुलिस को सूचना मिली कि जिला अस्पताल से बच्चा गायब हो गया है। पुलिस ने इसमें संज्ञान लेते हुए तत्काल जो हॉस्पिटल में जाके देखा तो CCTV फुटेज में एक महिला बच्चे को ले जाती हुई दिखी, और बाद में वो महिला जो हमने शहर के CCTV फुटेज देखे तो एक महिला और उनके साथ जुड़ गई। तब पुलिस ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और तत्काल उसमें टीम गठित की गई और टीम के द्वारा पूरे सिवनी में पूछताछ की गई। उसमें एक आसिफ नाम का व्यक्ति के बारे में पता चला कि ये महिला आसिफ नाम का व्यक्ति उसके साथ देखी गई, जो कि 108 का ड्राइवर है। जब आसिफ को पकड़ा तो उससे कुछ सूत्र हाथ में लगे, जिनके आधार पर पुलिस जयपुर और शिवपुरी वहां पर पुलिस की टीमें लगी रही। इसमें जब दोनों की लोकेशन एक जगह स्टैटिक हो गई तो रात को 1:30 बजे दबिश देके शिवपुरी के कोलारस से गांव खैराना से इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। बच्चा सकुशल है और अभी चूंकि 4-5 दिन का ही हुआ है तो इसमें जो पूरी टीम है उसने बहुत बढ़िया से काम किया। इनका जो बच्चा जो अभी प्राइमर किसी जो बताया गया है कि इनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था, वो बच्चा प्राप्ति के पति के द्वारा भी जो सुकौल पति है के द्वारा भी इसको प्रताड़ित किया जा रहा था कि हमें बच्चा चाहिए क्योंकि उसके घर में कोई है, तो उसका भी पूरा वेरीफाई करेंगे अभी। और उसी तारतम्य में ये इन्होंने प्लान बनाया कि सिवनी में जाके, चूंकि ये महिला पहले सिवनी में रही है दुर्गा बाई जो कि मेन एक्यूज्ड है, उसके यहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर प्रतीक शर्मा से संबंध बने, फिर उसके साथ शिवपुरी जाके रहने लगी, फिर इनको जब बच्चा चाहिए था जो इन्होंने बताया है तो ये सिवनी में आए। सिवनी में इनकी एक मदद कविता रजक नाम की महिला ने की, उसने शेल्टर दिया, पूरा हॉस्पिटल की रेकी की, पहले दूसरा बच्चा भी दिखाया लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन फिर 2 दिन से रेकी करते रहे। और जो आसिफ है, आसिफ ने इनकी पूरी मदद की, और जब जो परिवार है जो नवजात शिशु के साथ परिवार के साथ इन्होंने दोस्ती गाँटी, और जब बच्चा रोने लगा तो इन्होंने खिलाने के बहाने से बच्चे को लिया और लेके रफू चक्कर क्या कार्रवाई की गई थी। इसमें 34 और 120 थी, और जो भी इनसे बातचीत में भी और खुलासे होंगे उसके अनुसार अप्रोप्रिएट सेक्शन लगाए जाएंगे। कितने लोगों को गिरफ्तार किया अभी? इसमें जितने भी इसमें इनकी टीम में थे 5 लोगों की गिरफ्तारी।